ये है दिल्ली दर्पण। सितंबर के बाद सबसे ज्यादा केस आए, बीते दिन 300 केस रजिस्टर। देखिए, कल रात मुख्यमंत्री जी का कॉल आया था, और क्योंकि उन्होंने जो डेली हमारी बुलेटिन निकलती है उसमें उन्होंने पढ़ा कि दिल्ली में मामले थोड़े बड़े हैं, और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि देश के अन्य राज्यों के बाद दिल्ली में भी मामले इस तरह से बढ़ेंगे। तो आज 12 बजे एक आपात मीटिंग बुलाई गई है, और सभी अधिकारियों को आज छुट्टी के दिन भी थोड़ा सा उन्हें कष्ट दिया गया है कि आप आइए और इसके ऊपर एक स्टेटस रिपोर्ट देखिए कि क्या दिल्ली सरकार को तैयारियों की ज़रूरत है। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी 12 बजे जो है हेल्थ विभाग के अफसरों के साथ बात करेंगे। कितने बजे आज दिन में आप? आज हमारी मीटिंग जो है 12 बजे है, आज भी 12 बजे है। आज जो है हेल्थ के, DGHS के, वायरोलॉजिस्ट और जितने भी इससे संबंधित एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात होगी। दिल्ली सचिवालय में मीटिंग है आज, दिल्ली सचिवालय में है 12 बजे। आपने जो मीटिंग में बुलाया जो टेस्टिंग के नोडल अधिकारी है उन लोगों को भी, तो उसकी क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत हुई थी। सभी लोगों को बुलाया गया है जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कमांड सेंटर पहले चलाया है, जिनके पास अभी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित संयंत्र हैं वो सही चलें, हमारे ऑक्सीजन प्लांट सही चलें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त हो, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा के अंदर हों, इसका प्रोटोकॉल जो है हर अस्पताल के अंदर हो, सभी तरीके के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अभी हालांकि कम है, लेकिन बेड्स को लेकर क्या कुछ आप लोग? बेड्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं हमारे रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड बेड्स को हमने छेड़ा नहीं है। अभी बहुत स्थिति पैनिक की नहीं है, अभी सरकार अपनी तैयारियां कर रही कि इन केस कोई दिक्कत होती है तो सरकार की तैयारियां पूरी हैं। पाबंदियों को लेकर विचार कर रहे हैं? अभी कोई विचार नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर